जिस तरह कमान से निकला तीर वापस नहीं लिया जा सकता, उसी तरह मुंह से निकली हुई बात को भी वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए जब भी बोलें सोच समझ के बोलिए। जरूरी नहीं कि अच्छा बोलने वाला हर इंसान अच्छा ही हो। आजकल साजिश रचने वाले लोग भी बहुत मीठा बोलते हैं। दिन अच्छे हो या बुरे बीत ही जाते हैं। आपके पास पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी नजर नहीं आती, लेकिन यदि आपके पास पैसा ना हो तो आपकी योग्यता नजर नहीं आती। जिंदगी में आप खुश हो ये अच्छी बात है, लेकिन आपकी वजह से जिंदगी में कोई खुश है ये उससे भी अच्छी बात है। अगर आप हमेशा दुख पे ध्यान दोगे तो आप हमेशा दुखी ही रहोगे, लेकिन यदि आप सुख पे ध्यान दोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। आप जिस चीज पर भी ध्यान दोगे वही चीज आपके जीवन में सक्रिय हो जाती है। समय कभी नहीं रुकता, यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा समय भी आएगा। अगर आपके साथ कोई नहीं रहना चाहता तो उसे आजाद कर दो, क्योंकि पकड़ कर रखे गए रिश्ते कभी सुकून नहीं देते। जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए, मीठा बोलकर भी किसी के जीवन में मिठास घोली जा सकती है। जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कितना भी प्यार मान सम्मान दो, लेकिन वो आपको धोखा ही देते हैं। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। अगर आज उसका बुरा समय है तो कल आपका भी हो सकता है। मन में रखी हुई बात बोल देनी चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले होते हैं। आज के समय में किसी को ये एहसास मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हो, क्योंकि आजकल लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठा ले जाते हैं। इतने कड़वे भी मत बनो कि कोई चख ना सके, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई आपको निगल जाए। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो पहले सफलता पाने के लिए अपना कदम पहले बढ़ाता है। खुशियों का रास्ता कोई तय नहीं होता, इंसान को खुद ही रास्ता बनाना पड़ता है। ये बात जिसने जान ली खुशियों ने उसका पता लिख लिया। दुख लोगों के व्यवहार से नहीं अपनी सोच से होता है। अपनी सोच बदलिए, दुख खत्म हो जाएगा। कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानिए, वो आपकी कीमत नहीं समझता, क्योंकि पत्थर के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। बीते हुए कल में मत जियो, क्योंकि वो जा चुका है, और भविष्य के बारे में मत सोचो, क्योंकि वो अभी आया ही नहीं। इसलिए आज में जियो और अपने वर्तमान को खूबसूरत बनाओ। जीवन में हमेशा शांत रहो, इससे आप खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पे ही मजबूत होता है और गर्म होने पे उसे किसी भी आकार में ढाल दिया जाता है। जिंदगी में दो चीजें टूटने के लिए ही बनी होती हैं, एक तो साथ और दूसरी सांस। अगर सांस टूट जाए तो इंसान एक बार मरता है, लेकिन यदि साथ टूट जाए तो इंसान बार बार मरता है। भगवान कहते हैं वक्त का खास होना जरूरी नहीं है, बल्कि खास के लिए वक्त होना जरूरी है। बदलता वक्त और बदलते लोग कभी किसी के नहीं होते। तूफान भी आना जरूरी है जिंदगी में, तभी पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ के चलता है और कौन हाथ छोड़ के जाता है। इंसान इंसान को धोखा नहीं देता, बल्कि धोखा तो वो उम्मीदें देती है जो इंसान दूसरे इंसान से रखता है। जिस इंसान की सोच बड़ी होती है उस इंसान की जिंदगी में ही समस्याएं ज्यादा होती हैं। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी बुरे रास्ते पे ले जा सकते हैं, और अच्छे विचार हमेशा आपको अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करते हैं। किस्मत धोखा नहीं देती, धोखा तो वो लोग देते हैं जिन पर हम खुद से ज्यादा भरोसा करते हैं। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म हो जाती है तो इज्जत भी खत्म हो जाती है।
जिंदगी में हर किसी मौके का फायदा उठाओ, लेकिन किसी की मजबूरी का फायदा कभी मत उठाइए। जो लोग छोटी छोटी बातों पर रो देते हैं वो कमजोर नहीं बल्कि दिल के सच्चे होते हैं। सुनने की आदत डाल लो, क्योंकि इस दुनिया में ताना मारने वालों की कमी नहीं। माना कि आप शक्तिशाली हो, लेकिन समय आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। इंसान को खुद की नजरों में सही होना चाहिए, दुनिया की छोड़िए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है।